तो गाइस सब जानते थे कि हल्क हमें एवेंजर्स एंड गेम में ओरिजिनल एवेंजर्स के साथ जरूर देखने मिलेगा, लेकिन हल्क के नए अपीयरेंस ने सबको हैरान कर दिया जब वो हमें बिल्कुल ही अलग प्रोफेसर हल्क बना हुआ नजर आया। इसके बाद हल्क एवेंजर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट भी साबित हुआ, क्योंकि उसी ने टाइम ट्रेवलिंग करने में एवेंजर्स की मदद की। लेकिन एवेंजर्स एंड गेम जिस तरह खत्म हुई उसमें हमें हल्क के फ्यूचर के बारे में कोई हिंट नहीं दी गई, और अब ब्लैक विडो और आयरन मैन मर चुके हैं, हॉकाई अपनी फैमिली के साथ है, कैप बूढ़ा हो चुका है और थॉर गार्जियंस के साथ चला गया है। अब देखा जाए तो ओरिजिनल एवेंजर्स में सिर्फ हल्क ही रह गया है जिसके फ्यूचर के बारे में एंड गेम में कुछ नहीं बताया गया। तो गाइस मैं हूं शाहरुख और आज इस वीडियो में हम हल्क के एमसीयू फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, तो शुरू से लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। मार्वल स्टूडियोज के लिए हल्क एक यूनिक कैरेक्टर है, क्योंकि एक यही ऐसा कैरेक्टर है जिसकी सोलो मूवीज मार्वल स्टूडियोज नहीं बना सकता, क्योंकि हल्क के राइट्स यूनिवर्सल पिक्चर्स के पास हैं, जिस तरह स्पाइडरमैन के राइट्स सोनी पिक्चर्स के पास हैं, क्योंकि कुछ साल पहले मार्वल ने अपने कैरेक्टर राइट्स सोनी पिक्चर्स, यूनिवर्सल पिक्चर्स और फॉक्स को बेच दिए थे। इसकी वजह से मार्वल स्टूडियोज जितनी भी स्पाइडरमैन मूवीज बनाएगा तो उसके प्रॉफिट का कुछ परसेंट सोनी पिक्चर्स को दिया जाएगा। ठीक यही रूल हल्क के साथ भी है, अगर मार्वल स्टूडियोज हल्क की सोलो मूवीज बनाएगा तो उसको प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। अब क्योंकि स्पाइडरमैन फेमस कैरेक्टर है और उसकी मूवीज बहुत अच्छी अर्निंग्स कर लेती हैं, जिसकी वजह से सोनी से शेयर करने के बाद भी मार्वल स्टूडियोज अच्छा प्रॉफिट कमा लेता है। लेकिन हल्क के साथ मार्वल स्टूडियोज ये रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि 2008 की द इनक्रेडिबल हल्क बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, तो इसीलिए मार्वल स्टूडियोज हल्क की सोलो मूवी बनाने के बजाय उसे दूसरी मूवीज में सपोर्टिंग कैरेक्टर की तरह और टीम अप मूवीज में दिखाता रहा है। और इसी अप्रोच से मार्वल स्टूडियोज ने हल्क की तीन स्टोरी लाइन को एमसीयू में दिखा दिया है। माफ कर दे भाई। 2017 में मार्क रफेलो ने एक इंटरव्यू में यह रिवील किया था कि आने वाले हल्क के तीन अपीयरेंस में मार्वल स्टूडियोज हल्क की तीन स्टोरी लाइन को दिखा देगा, यानी कि आने वाली मूवीज थॉर रैग्नारोक, एवेंजर्स 3 और एवेंजर्स 4 में हमें हल्क की ट्रायलॉजी दिखा दी जाएगी। और जैसा उसने बताया था वैसा हुआ भी। हमने देखा कि रैग्नारोक में हल्क 2 साल से हल्क बना हुआ था और ब्रूस का उस पर कोई कंट्रोल नहीं था, जिसकी वजह से हल्क शांत होने के बाद भी वापस ब्रूस नहीं बन पा रहा था। इसके बाद एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हमें दिखाया गया कि किस तरह हल्क बाहर नहीं आना चाह रहा था, और ये हल्क की स्टोरी लाइन का दूसरा एक्ट था। इसके बाद तीसरे एक्ट में एवेंजर्स एंडगेम में हल्क और बैनर दोनों की पर्सनैलिटीज को एक करके पिछली दोनों मूवीज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया था, और इस तरह हल्क की ट्रायलॉजी एंडगेम के साथ खत्म हो गई है। लेकिन अब हल्क के आगे क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और वो हमें आने वाली किन किन मूवीज में देखने को मिलेगा ये अभी क्लियर नहीं है। मार्क रफेलो का मार्वल स्टूडियोज के साथ 6 मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें एवेंजर्स 1 से एंड गेम तक वो 5 मूवीज कर चुके हैं, और इसके बाद अभी भी एक मूवी का कॉन्ट्रैक्ट बाकी रह गया है। तो इसका मतलब मार्क रफेलो का हल्क हमें फ्यूचर मूवीज में जरूर देखने को मिलेगा। अब या तो वो हमें किसी सपोर्टिंग रोल में दिख सकते हैं या फिर वो हमें किसी और एवेंजर्स मूवी में भी दिख सकते हैं। तो गाइज आपका क्या ख्याल है कि हमें हल्क आगे किस तरह नजर आएगा वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Storms we chase and